लोकसभा चुनाव की मतगणना 23 मई यानी कल होनी है। कल सुबह से ही काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। बता दें कि कांकेर लोकसभा के जिले की 3 विधानसभा कांकेर, भानुप्रतापपुर, आंतागढ़ की मतगणना शासकीय भानुप्रताप देव पीजी कॉलेज में होगी, जबकि अन्य 5 विधानसभा की मतगणना धमतरी, कोलगांव और बालोद में होगी। गणना कांकेर जिला मुख्यालय में, 3 विधानसभा की गणना बालोद जिला मुख्यालय में, 1 विधानसभा नगरी सिहावा की गणना धमतरी जिला मुख्यालय में और केसकाल विधानसभा की गणना कोंडागांव जिला मुख्यालय में होगी। इस तरह से 4 जिलों में गणना होगी। गणना 23 मई को ठीक 8 बजे सुबह प्रारंभ होगी। कांकेर मतगणना स्थल का आज जिला निर्वाचन अधिकारी एल चौहान ने मीडिया कर्मियों के साथ निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि मतगणना स्थल पर 3 स्तरीय सुरक्षा घेरा बनाया गया है, जिसमें सबसे आगे जिला पुलिस बल, उसके बाद बीएसएफ और सीआरपीएफ के जवान तैनात होंगे। इस बार प्रत्येक विधानसभा से 5 मतदान केंद्रों की वीवीपैट की गणना भी की जाएगी, जिसके चलते नतीजे आने में काफी विलम्ब हो सकता है। मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। 23 मई को 8 बजे सुबह से प्रारंभ होगी। 3 विधानसभा की मतगणना यहाँ पे होगी। 3 विधानसभा की बालोद में होगी, 1 विधानसभा की धमतरी में होगी नगरी सिहावा की, और 1 विधानसभा की इसका कोंडागांव में होगी। इस तरह से कांकेर लोकसभा क्षेत्र के पूरे 8 विधानसभाओं की मतगणना की तैयारी पूरी हो चुकी है। सर, रिजल्ट कैसे है उसका? रिजल्ट में सुविधा ऐप दिया हुआ है। एआरओ के द्वारा जैसे ही राउंड पूरा हो जाएगा, सुविधा ऐप में ऑनलाइन एंट्री कर देंगे और वो ऑनलाइन पब्लिक डोमेन में भी है और आरओ के लॉगिन में भी है, तो आरओ उसको देख सकेंगे। और जब पूरे 8 विधानसभा की राउंड पूरी हो जाएगी, एआरओ के द्वारा उसको सर्टिफाई कर दिया जाएगा, तो आरओ के द्वारा वो राउंड की घोषणा की जाएगी। प्रत्येक विधानसभा के लिए 14 टेबल लगेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टीवी।